वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलियाई टीम ने मैच पर अपनी पकड़ को काफी ज्यादा ही मजबूत कर लिया है। लंदन के ओवल मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में कंगारू टीम ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी बढ़त को 296 रनों पर पहुंचा लिया है। स्टंप्स के समय तक मॉर्नस लबुशियन 41 रन और कैमरून ग्रीन 7 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के तीसरे दिन की बात करें तो तीसरे दिन के पहले सत्र का खेल शुरू होने के साथ भारतीय टीम को छोटा झटका केएस भरत के रूप में लगा। भरत को स्कॉट बॉलेन ने 5 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे शार्दुल ठाकुर को शुरुआती समय में काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन रहाणे के साथ मिलकर ठाकुर ने भारतीय पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना जारी रखा। दोनों ने टीम का स्कोर जल्द ही 200 के पार पहुंचा दिया। अजिंक्य रहाणे ने भी 18 महीने के बाद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करते हुए अपना अर्धशतक छक्के के साथ पूरा किया। दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे शार्दुल ने भी अपनी नजरें जमाने के बाद तेजी के साथ रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। रहाणे और शार्दुल ने पहले सत्र का खेल खत्म होने पर भारतीय टीम का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन तक पहुंचाने के साथ फॉलो ऑन के खतरे को भी पूरी तरह से टाल दिया। दिन के दूसरे सत्र की शुरुआत होने के साथ भारतीय टीम की दूसरी पारी को सिमटने में अधिक समय नहीं लगा। अजिंक्य रहाणे 89 रन बनाकर पैट कमिंस की गेंद पर स्लिप पर अपना कैच थमा बैठे। इसके बाद 271 के स्कोर पर उमेश यादव के रूप में टीम इंडिया ने अपना 8वां विकेट गंवा दिया। शार्दुल ठाकुर ने यहां से तेजी के साथ रन बनाते हुए अपने टेस्ट करियर का 4था अर्धशतक पूरा किया। हालांकि वे भी 51 रन बनाकर कैमरून ग्रीन का शिकार बने। मिचेल स्टार्क ने मोहम्मद शमी को 13 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजने के साथ भारतीय टीम की पहली पारी को 296 रनों पर समेट दिया। इसी के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी के आधार पर 173 रनों की बड़ी बढ़त भी हासिल कर ली। कंगारू टीम की तरफ से कप्तान पैट कमिंस ने सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम की दूसरी पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम को पारी के 4थे ओवर में पहला झटका 2 के स्कोर पर डेविड वार्नर के रूप में लगा। मोहम्मद सिराज ने वार्नर को 1 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। दूसरे सत्र का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन था। तीसरे दिन के आखिरी सत्र का खेल शुरू होने के साथ भारतीय टीम को दूसरी सफलता उस्मान ख्वाजा के रूप में जल्दी मिली। उमेश यादव ने ख्वाजा को 13 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। यहां से मार्नस लबुशियन ने स्टीव स्मिथ के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभालते हुए तेजी के साथ रन बनाने का सिलसिला शुरू किया। स्मिथ और लबुशियन के बीच तीसरे विकेट के लिए 62 रनों की अहम साझेदारी देखने को मिली। रविंद्र जडेजा ने स्मिथ को 34 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजने के साथ टीम इंडिया को तीसरी सफलता दिलाई। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे ट्रेविस हेड ने भी तेजी के साथ रन बनाने की कोशिश की, लेकिन वे भी 18 रन बनाकर जडेजा का शिकार बन गए। वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपना 4था विकेट 111 के स्कोर पर गंवा दिया। तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना लिए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की बढ़त 296 रन हो गई है।